Assalamu alaikum. I am Adnan Shuaib, faculty member at ComServer Institute of Information Technology, and today is our lecture number 19 regarding the course Cost Accounting MGT 231. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर नंबर 8. लास्ट टाइम हम लोगों ने इसे क्या किया था, हम लोगों ने ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस देखे थे एंड मैनेजमेंट कंट्रोल देखा था. उससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की किस तरह वेरिएंसेस फाइंड करने हैं. रिमेंबर दैट वी आर डिस्कसिंग द वेरिएंसेस फ्रॉम द लास्ट थ्री लेक्चर्स. हम लास्ट थ्री लेक्चर से सिर्फ और सिर्फ वेरिएंसेस डिस्कस कर रहे हैं. वेरिएंसेस के अलावा भी हमने कुछ और डिस्कशंस नहीं किए हैं इन लास्ट थ्री लेक्चर्स. जब लास्ट थ्री लेक्चर्स हमने डिस्कशन सिर्फ वेरिएंसेस भी की थी, तो वेरिएंसेस में हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से वेरिएंसेस हैं, जिसके अंदर हमने छह वेरिएंसेस पढ़े थे, जिसके अंदर फर्स्ट वन प्राइस वेरिएंस, सेकंड क्वांटिटी वेरिएंस, बोथ आर रिलेटेड टू मटेरियल, देन रेट वेरिएंस, देन एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ लेबर दैट आर रिलेटेड टू लेबर, एंड देन वी हैव स्टडीड द स्पेंडिंग वेरिएंस एंड देन एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ ओवरहेड. तो ये हमने छह वेरिएंस पढ़े थे. फिर हमने उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को देखा था, तो हमने देखा था प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस निकाला था, जिसकी हमने कहा था कि इसकी इंटरप्रिटेशन इज नॉट एज इजी एज इट वाज, कि उस तरह की उसकी इजी नहीं है. देन वी स्टार्टेड विद द फ्लेक्सिबल बजट एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट आई थी. उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा फ्लेक्सिबल बजट किस तरह बनाया जाता है और किस क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. स्टैटिक बजट और फ्लेक्सिबल बजट को दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया, जिसके अंदर हमने डिफरेंस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. और साथ हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ओवरऑल अगर हमें कहूं कि मैं सारा कुछ स्टैटिक बजट से कंपेयर करूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम और लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट, इन दोनों में से कितना परसेंट जो चेंज आया वो बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड समथिंग बिकॉज ऑफ लोअर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, दैट वी हैव सीन दैट. उसके बाद हम लोगों ने फर्दर आगे स्टडी करना है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. की ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस कौन सा होगा और मैनेजमेंट कंट्रोल कौन सा होते. अगेन द चैप्टर नंबर 8 ऑफ हॉर्नग्रेन अकाउंटिंग ऑफ मैनेजरियल एम्फेसिस, दैट इज 14th एडिशन बाय हॉर्नग्रेन ले रहे हैं. चैप्टर नंबर 11 है मैनेजरियल अकाउंटिंग, 12th एडिशन बाय गैरिसन नोरीन एंड ब्रूर, एंड देन चैप्टर नंबर 11 ऑफ द गेजियो. तीनों की तीनों रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं. प्लीज रीड इट आउट एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द एंड प्रॉब्लम्स. एंड प्रॉब्लम्स को आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है. सो ये चीजें आपने लाजमी देखनी है, और साथ ही आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, बिकॉज इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है दे आर वेरी वास्ट. द मेन टेक्स्ट वी आर फॉलोइंग इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल्सो इन कंपनीड विद द मैनेजरियल अकाउंटिंग ऑफ नोरीन. तो ये हम लोगों ने देखा है. साथ साथ यू आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द बुक्स, क्योंकि वहां पे बुक्स के थ्रू आप लोग ज्यादा बेहतर लर्न कर पाएंगे और ज्यादा अच्छा लर्न कर पाएंगे. तो आई विश कि आप लोग थोड़ा सा बुक के थ्रू भी इन्हें आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएं और उन्हें आइडेंटिफाई करें. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, क्या आज हमारा टॉपिक है, बट बिफोर दैट अगेन वी स्टार्ट विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उनके साथ साथ ही हम चलेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच ओवर द स्टैटिक बजट अप्रोच. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था कि जिसमें हमने कहा था फ्लेक्सिबल बजट एंड स्टैटिक बजट में क्या डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं. प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट यूज्ड इन द फ्लेक्सिबल बजट. कि हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी डेवलप की है कि वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग द फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच. क्या यूज करना है, फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच यूज करनी है. Using budget to prepare a variable overhead performance, यानी कि हमने flexible budget use करना है for finding the variable overhead performance that we are going to study today, containing all spending variance. यानी अब spending variance और budget, flexible budget को हमने सामने combine करना है और दोनों को combine करना है, हमने चीजों को सामने लेके आना है. Use a flexible budget to prepare a variable overhead performance reporting. Report contain both spending and efficiency variance. यानी हमने flexible budget को prepare करना है, but साथ ही spending और एफिशिएंसी वेरिएंस को सामने रखना है. कि इन दोनों को वेरिएंस को सामने रखते हुए व्हाट इज वुड बी द इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी वेरिएंस. कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट एंड अप्लाई ओवरहेड टू प्रोडक्ट और कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. कि हमने पहले ओवरहेड रेट बनाना है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट बनाना है एंड अप्लाई ओवरहेड टू प्रोडक्ट. उसके बाद क्या करना है, अप्लाई करना है ओवरहेड इन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. किसको करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. कंप्यूट एंड इंटरप्रेट फिक्स्ड ओवरहेड बजट एंड वॉल्यूम वेरियंस. की फिक्स्ड ओवरहेड बजट और वॉल्यूम वेरियंस को भी हमने यहाँ पे सारी चीजों को कंप्यूट करना है. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हमने इन सारी चीजों को देख के हमने तब आगे मूव करना है कि हमने किस तरह से आगे लेके जाना है. ठीक है ना, तो कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द फिक्स्ड ओवरहेड बजट एंड वॉल्यूम वेरिएंस. के फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितना है और वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, दैट वी आर गोइंग टू सी.
Starting with the first one, variable overhead variance, a closer look. Again, a flexible budget is based on actual R and flexible budget based on standard R. Only spending variance can be computed. जब हमारे पास अगर flexible budget है जो actual hours पे dependent है, किस पे dependent है? Actual hours पे dependent है. तो याद रखिएगा, only spending variance can be computed. उनका सिर्फ और सिर्फ spending variance ही हम calculate कर सकते हैं. और अगर flexible budget का आपके पास standard hours भी given है, तो आप spending और efficiency variance both you can easily calculate them. यानी कि spending और efficiency variance given हो. अगर आपके पास flexible budget में सिर्फ और actual hour given है, तो only spending. अगर both given है, तो then it becomes spending and efficiency both can be easily find. यानी कि दोनों को हम easily find out कर सकते हैं, दोनों को easily identify कर सकते हैं और easily आगे adjust कर सकते हैं. Variable overhead variance की example देखते हैं. Coca-Cola को actual production for the period required is the 32 standard machine hours. यानी कि Coca-Cola को जो है वो actual production for the period required is 3200 standard machine hours. यानी कि वो जो standard production है उसके लिए कितनी requirement है उसकी 3200 machine hours. Actual variable overhead incurred for the period was 6,740. Actual जो वेरियो कितने हैं 6,740. Actual machine hours work was 3,300. यानी actual machine hours कितने लगे 3,300. The standard overhead cost per machine is $2. Compute variable overhead spending variance first with using actual hours, then use standard hours allowed to calculate the actual variance. क्या उसके बाद करना है हमने calculate actual variance को हमने calculate करना है कि क्या हमारे पास actual variance exist कर रहा है. Now moving further. Variable overhead variance. अब निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने we have to start with the actual variable overhead. अब वो क्या थी equation, वही सेम रहेगी. Actual R into actual rate, actual R into standard rate. तो यहाँ पे हमने actual R into actual rate को multiply किया and actual R standard rate को multiply किया. तो first we got the spending variance, जिसके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए थे, actual R चाहिए थे और standard rates चाहिए थे. यानी कि हमारे पास actual variable overhead incurred लिख दिया हमने and then flexible budget for variable overhead into actual R, यानी 2 into जितने हमने R समय चाहिए, तो वो हमें जो चाहिए थे वो हमने यहाँ पे के लिख दी कि 3300 थे हमारे पास. so then we have a actual R into standard R, जो हमारे पास values आ गई हैं या जो values हमारे पास generate होके सामने नजर आ रही हैं. तो that means actual R into actual rate minus standard rate, यानी actual rate minus standard rate करें तो then we have a actual hours. Then, अब यहाँ पे देखें, actual overheads कितने आ रहे हैं जी, actual overhead incurred किया, that are 6,740, 3,300 hours लगे थे, 2,200 ये था, तो 6,600 यहाँ पे है, तो that means हमारे पास spending variance 140, the gain, the positive, positive का मतलब last time मैंने क्या बताया था, वो था that is unfavorable. क्या मतलब होता है इसका, कि that it is unfavorable, ये favorable नहीं है, it's being an unfavorable variance, because यहाँ पे हमारे पास खर्चा ज़्यादा हो गया as compared to what we have required, जितना हमने उसे require किया था. Now spending variance result from paying more or less than expected for a overhead item and from the excessive use of overhead item. यानी expending item क्या हो गया, result from paying more or less, यानी कि या तो हमने बहुत ज़्यादा pay कर दिया या less pay कर दिया on overhead items or from excessive usage of overhead items. यानी कि बहुत ज़्यादा excessive usage of overhead items सामने आ रहे. Now let's use the standard hours allowed. यानी अब आप क्या use करें, हम standard hours allowed along with the actual hours to compute the efficiency variance. Along with the actual hours with the efficiency variance. यानी जो हमने existing किया हुआ था, उसी में हम क्या add करें? That is standard rate. हम किसको add कर रहे हैं? That is standard rate. और जब हम standard rate को add कर रहे हैं, that means we are using that thing. यानी उसी चीज को हमने use करके spending variance. अभी क्योंकि हमने अभी spending variance निकाल लिए. Now we are moving towards the efficiency variance. Efficiency variance without standard hours नहीं निकलता. Because efficiency variance के लिए हमें actual hours और standard hours चाहिए होते हैं. बाकी हमें नहीं required होता, because both are case with the standard rate. किसके साथ मैयर हो रहा होता है? Standard rate के साथ. Now variable overhead. अब यहाँ पे देखें क्या हुआ? Again वही जो already हो चुका था हमारे पास actual R, actual rate, actual R, standard rate. अगर मैं यहाँ पे actual R's को common लेता था, तो यहाँ पे आता था AR minus SR. लेकिन अब हमने क्या किया? यहाँ पे ये चीज़ add कर ली है. जब ये चीज हमारे पास ऐड हो गई, तो इसके मतलब है हमने यहाँ पे अब लेना है स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो स्टैंडर्ड रेट जो सेम है, इनमें से वो कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? एएच एएच इन माइनस एसएच. क्या बन गया यहाँ पे? एएच माइनस एसएच. तो वन इज नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस एंड अदर वन इज नोन एज
एफिशिएंसी वेरिएंस के अगला क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस के, ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट मींस दैट इज नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस एंड दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस. सो वन इज स्पेंडिंग वेरिएंस एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, यानी कि ये दो आ गए, यहां पे स्पेंडिंग आ गया और एफिशिएंसी वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है. ये चीजें याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपकी यूज होंगी फॉर एवरी वेरिएंस. अगर आप वेरिएंस सही कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट मींस यू आर गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक. अगर यहां पे गलती होगी तो याद रखिएगा सारा वेरिएंस खराब हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर कंफ्यूजिंग है. इट्स नॉट लेंथी, ये लेंथी नहीं है लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग बहुत है. तो याद रखिएगा कि हर एक के लिए स्पेंडिंग, द वर्ड स्पेंडिंग मींस खर्चा. खर्चा कब बढ़ता है, जब प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, ये चीज याद रखिएगा. एफिशिएंसी मींस के यूज कितनी की गई है, एक सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की बात करें, यूजेज की बात करें. जो प्राइसिंग की बात करें दैट इज रिलेटेड टू स्पेंडिंग, और जो यूजेज की बात करें दैट इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी है. एंड सेम इज द केस विद द मटेरियल एंड सेम इज द केस विद द लेबर, दोनों केसेस में ये चीज एग्जिस्ट करती है. एंड इक्वली विद द सेम केस विद द लेबर एंड इक्वली विद द ओवरहेड्स, यानी ओवरहेड्स के साथ भी यही केस होता है. ये आपने इसमें देखना होता है कौन सी प्राइस से रिलेटेड बात हो रही है और कौन सी आवर्स यानी यूजेज से बात हो रही है. जो चीज यूजेज से बात हो रही है दैट इज इजीली बीइंग सीन. नाउ ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एग्जांपल, अब वही एग्जांपल है, ये ऑलरेडी हो चुका था, हम कैलकुलेट कर चुके थे. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, 6740. अब यहां पे आए 3300 आवर्स हमने यूज किए, ये स्टैंडर्ड रेट था, हमने कहा जी 6600 यहां आ गए. और एक्चुअल हमारे पास कितने यूज हुए थे, दैट इज 3200 आवर्स, और इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6400. जब हमारे पास 6400 आ गया तो हमने इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नोन टू बी एज अ स्पेंडिंग वेरिएंस, और जो यहां पे आया उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस. कि यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला गया वो आया एफिशिएंसी वेरिएंस एंड दिस इज नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस. और टोटल फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस कितना आ रहा है, अनफेवरेबल फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस यानी 200 प्लस 140 दैट इज 340, यानी इतना हमारे पास जो है ओवरऑल वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये वेरिएंसेस हमारे पास नजर आ रहे हैं. दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं, अगर मैं पूछूं दोनों ऐड इस वजह से हो रहे हैं कि बोथ आर अनफेवरेबल. दोनों के दोनों क्या हैं, ये अनफेवरेबल हैं, दे आर नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल कहीं से भी नहीं है, दे आर इक्वली अनफेवरेबल, ये प्योरली अनफेवरेबल साइड पे लाई कर रहे हैं, यानी अनफेवरेबिलिटी लाई कर रही है, यानी अनफेवरेबल है ये. सो स्टार्ट मूविंग फर्दर, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस आर क्लोजर लुक, एफिशिएंसी वेरियंस कंट्रोल बाय मैनेजिंग ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर. अब मैं अगर कहूं कि यहां पे मैं एफिशिएंसी वेरियंस लिखकर चले, साथ में एक और चीज लिखता हूं दैट इज नोन एज स्पेंडिंग वेरियंस. अगर मैं कहूं कि एक चीज जो है ओवरहेड कितने इस्तेमाल हुए तो आई वुड टॉक अबाउट दिस वन. मैं कहूं कि ओवरहेड की प्राइस क्या पड़ी तो आई टॉक अबाउट दिस वन. यहां पे वो कह रहा है कंट्रोल बाय मैनेजिंग ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि आपने ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स को मैनेज करना है, यानी एफिशिएंसी को मैनेज करना है कि लोग कम यूज करें, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ज्यादा आए रादर देन रेट रिड्यूस रिडक्शन की तरफ आए, कि वो लोग जो आपके जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो उसकी रिडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दे, बनिस्बत इसके कि वो ज्यादा ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स को मूव करने की कोशिश में ज्यादा लग जाए, यानी ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर्स ज्यादा मूव करना चाह रहे हो. तो इट्स नॉट द केस, यहां पे आपने मैनेज करना है रिसोर्सेज को, कि हाँ जी रिसोर्सेज जाया ना हो, बिकॉज एफिशिएंसी वेरिएंस ये भी साथ बताता है कि कितनी रिसोर्सेज जाया हुई हैं, कितनी रिसोर्सेज हमें कम पड़ गई और कितनी रिसोर्सेज हमारे पास जाया हो गई, जिया हो गया जिसका जो हमारे सामने नजर आ रहा है. क्विक चेक आगे आगे हमारे पास, यॉर्डर एंटरप्राइज एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड 2100, यानी कि वो कहता है यॉर्डर एंटरप्राइज जो है एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड 2100 कितना आ रहा है उसका, 2100 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड फॉर द पीरियड वॉज 10950 कितना है उसका, 10950 है. यानी अब स्टार्ट से देखिएगा, योडर एंटरप्राइज है, एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड के लिए कितना चाहिए उसे इतने स्टैंडर्ड आर चाहिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ चुके हैं दैट इज 10950, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर्स वर्क 2050, द प्री डिटरमिंड ओवरहेड रेट वॉज $5 पर आवर, व्हाट इज द स्पेंडिंग वेरियंस. अब अगर मैं स्पेंडिंग वेरियंस है स्पेंडिंग वेरियंस निकालू तो क्या बनता था, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट एंड देन एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट. अब एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट कितना आया, यहाँ पे ये ओवरहेड आ गए कितने आ गए, ये 10950 आ गए, क्या आ गए हमारे पास 10950, और एक्चुअल आवर्स कितने हुए थे 2050 हुए थे हमारे पास इंटू
फाइव स्टैंडर्ड रेट था. तो यहां पे हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट वी गॉट दैट इज 10,250. कितना आ रहा है ये? 10,250 आ रहा है. तो हमारे पास कितना आ रहा है? 10,950 आ रहा है. तो अगर मैं इनको माइनस करूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? जितने का भी डिफरेंस आ रहा है दैट यू कैन इजीली सी देम. तो ऑलमोस्ट 700 का तो कंफर्म है, 700 का डिफरेंस आ रहा है. और 700 किस तरह का है? फेवरेबल अनफेवरेबल? ऑब्वियसली अनफेवरेबल. क्यों? आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव आंसर क्या शो करता है? दैट इज नेगेटिविटी आंसर. वो किसको शो कर रहा होता है? कि नेगेटिविटी कितनी लाइक कर रही है, कितनी नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है. और यही हुआ है, गौर से देखें. एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इनकर्ड, देखें एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं. 10,950 यहां है, 2050 आवर्स इंटू डॉलर फाइव पर आर. क्या आ रहा है? डॉलर फाइव पर आर आ रहे हैं. 10,950 यहां है, 10,250 यहां है, 700 अनफेवरेबल है. क्या है? 700 क्या है मेरे पास? अनफेवरेबल आई है. और वही हमारे पास भी आंसर आ रहा था, दैट इज 700 अनफेवरेबल इज आर आंसर. के ये एक्चुअल में अनफेवरेबिलिटी को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? ये अनफेवरेबिलिटी को शो कर रहा है कि कितनी ज्यादा हमारे पास अनफेवरेबल चीजें लाई कर रही हैं, या कितनी चीजें हैं जो अनफेवरेबल तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी हाउ मच दे आर एग्जिस्टिंग ऑन अ अनफेवरेबल लेवल, कि कितनी ज्यादा अनफेवरेबल लेवल पे एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें. सो मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं क्या हो गया. क्विक चेक देन. अब यहां पर कह रहे योडल, वही वाली एग्जाम्पल है, गौर से देखें. एक्चुअल एग्रो प्रोडक्शन फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड इज 2100 स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर. एक्चुअल आवर्स कितने आ रहे हैं जी? दैट इज एक्चुअल आवर वेरिएबल ओवरहेड इतने आ गए. एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने आ रहे हैं? वर्क वर्क 2050. POR कितना आ रहा है यहाँ पे? डॉलर फाइव आ रहा है. वट वुड बी द एफिशियंसी वेरियंस? नाउ वेन वी आई टॉक अबाउट द एफिशियंसी वेरियंस, दैट मीन्स एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट. अब एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं हमारे पास? एक्चुअल आवर्स में दैट इज 2050 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? डॉलर फाइव. यही हुआ ना अभी, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये डॉलर फाइव आ गया और ये 2050 आ गया. स्टैंडर्ड आवर्स कितने रिक्वायर्ड थे? दैट इज 2100. कितने स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड थे? 2100. एंड स्टैंडर्ड रेट कितना था? डॉलर फाइव था. क्या था हमारे पास? स्टैंडर्ड रेट डॉलर फाइव थे. नाउ इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई देम, तो यहां पे मैं कहूंगा जी दैट इज 10,250. यहां क्या आ रहा है? 10,250. तो यहां पे क्या आ रहा है? 10,500. क्या आ रहा है यहां पे? 10,500. अब यहां पे अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूं, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. क्यों आएगा आंसर? क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट माइनस 250 आ रहा है. तो माइनस साइन शोज व्हाट? माइनस साइन शोज द फेवरेबिलिटी. किसको शो करता है ये? फेवरेबिलिटी को. तो इन माय ओपिनियन इट्स इट वुड बी द दिस वन एंड द सेम इज द केस. यही हुआ है ना, स्टैंडर्ड आर्स ये हैं, एक्चुअल आर्स ये हैं, स्टैंडर्ड रेट ये है, एक्चुअल आर्स ये हैं एंड स्टैंडर्ड आर्स ये हैं. डॉलर फाइव यहां पे आ गया, 250, 2100 और यहां पे हमने कहा जी ये हमारे पास 250 का फेवरेबल वेरियंस आ गया. क्या आ गया हमारे पास? 250 का फेवरेबल वेरियंस है, कि यानी इतनी अमाउंट पे वो फेवरेबिलिटी शो करेगी या फेवरेबिलिटी सामने नजर आएगी, कि दैट मच इज फेवरेबल, यानी इतनी वो फेवरेबल नजर आ रही, यानी इतनी फेवरेबल वो होगी. तो दैट मींस कि यहां पे हमारे पास आंसर क्या है? दैट इज 250. अब पहले जो आंसर आया था वो कितना आया था? 700 अनफेवरेबल. यही आया था ना अनफेवरेबल, और ये क्या फेवरेबल. तो अगर मैं नेट कहूं टोटल फ्लेक्सिबल बजट वेरियंस कितना है? फ्लेक्सिबल ओवरहेड बजट वेरियंस, बजट वेरियंस. तो यहां पे कितना आएगा? तो मैं क्या करूंगा इसे, यहां पे 250 फेवरेबल आ गए, 700 अनफेवरेबल है. तो यहां पे मैं कहूंगा कितना हो गया? दैट इज 450 अनफेवरेबल. क्यों अनफेवरेबल कहा है? बिकॉज द हायर वन इज विच वन वैल्यू? 250 हायर है या 700 हायर है? तो डेफिनेटली कौन सी हायर है? दैट इज 700 इज मच हायर. और इसी वजह से हमने क्या लिखा है? दैट इज अनफेवरेबल वेरियंस. क्या लिखा है हमने? अनफेवरेबल वेरियंस रखा है बिकॉज 700 इज मच हायर देन 250, यानी 250 से ज्यादा हायर है आपके पास 700. Now we have an example. Let's see. इसे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं क्या चीजें कह रहे हैं. ठीक है, many of the benefits of balance scorecard approach. अब जो हमने last lecture में discuss की थी, क्या थी? Balance scorecard approach are evident in improving operations in United Airlines. यानी ये एक बहुत बड़ा तरीका था कि ताकि हम United Airlines में अपनी overall अपनी क्या नाम है performance improve कर सकें. At the सेम टाइम, एट द टाइम इट फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, यानी उस टाइम जिस टाइम वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल करती थी, यूनाइटेड हैड अ रेपुटेशन फॉर सम ऑफ द वर्स्ट सर्विस इन एयरलाइन बिजनेस. यानी उसकी रेपुटेशन कैसी थी? देखे कि वर्स्ट एयरलाइन उसे कहा जाता था, वन ऑफ द वर्ल्ड
वाज अ वर्स्ट एयरलाइन बिजनेस, यानी कि उसके पास वर्स्ट सिस्टम था इन एयरलाइन बिजनेस, और वो बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी थी. बट व्हेन द ग्लेन टिल्टन टुक ओवर द यूनाइटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही रिकग्नाइज दैट द थिंग्स हैड टू चेंज. यानी जब वो नया आया उनके पास सीईओ, उसने क्या रिकग्नाइज किया कि दैट देयर मस्ट बी अ चेंज, यहाँ पे चेंज जरूरी है, चेंज आना मस्ट है. He implemented an incentive program that allows the United States $60,000 to earn a bonus of 2.5 or more than its wages if company exceeds its goal. यानी he implemented an incentive program. उसने क्या बनाया? एक incentive program बनाया जिसने allow किया कि United States के United Airline के 63,000 employees जो हैं वो 2.5% bonus earn कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी earn कर सकते हैं in their manage if the company exceeds its goal. क्या करे? Company exceed कर जाए अपने गोल से. फॉर वन फ्लाइट डिपार्चर एंड फॉर कस्टमर इंटेंट टू फ्लाई यूनाइट अगेन. यानी कि हमारे पास क्या हो, इट्स गोल, और गोल क्या है जी, वन फ्लाइट डिपार्चर, एक दफा हो लेकिन उसके बाद कस्टमर दोबारा हमारी फ्लाइट पे आना चाहे. यानी वन टाइम अगर वो गया है तो वो दोबारा आके वापस जरूर देखना चाहे, बैठना चाहे, यानी कि उसे यूज करना चाहे एयरलाइन को. आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग दिस प्रोग्राम द कंपनीज वन टाइम डिपार्चर वर अमंग द बेस्ट, इट्स कस्टमर कंप्लाइंट वर रिड्यूस कंसिडरेबली. यानी कि जो पहले गया ना डिपार्चर इस इंप्लीमेंट होने के बाद वो बेस्ट था. यानी वो बेस्ट का मतलब क्या था कि वो दैट वॉज द ईच एंड एवरी, हर तरह से वो सबसे बेहतर था. और वो उसकी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो चुकी थी. यानी वो चीजें वहां पे रिड्यूस हो चुकी. एंड द नंबर ऑफ कस्टमर हु सेड, एंड अ नंबर ऑफ कस्टमर हु सेड दैट दे वुड फ्लाई United again was at its higher level, its highest level. यानी जो लोग थे उनमें से वो क्या कह रहे थे कि that is at the highest level, हम दोबारा United Airlines में दोबारा सफर करेंगे. They are at the highest level, वो सबसे ऊपर थे, यानी सबके सामने, यानी कि सबसे ज्यादा. They are very overjoyed with it, यानी बहुत ज्यादा थे. So which of the perspective of balance sheet, balance score were the focus of United States here? यानी कौन सा क्या नाम है स्कोप था, कौन सा पार्ट था बैलेंस स्कोर कार्ड का जिसमें आप जिसने बेस किया यूनाइटेड सीईओ को, तो ऑब्वियसली क्या था, दैट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कि अगर परफॉर्मेंस करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज आपको बोनस नहीं मिलेगा. दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम आपको बोनस दे सकें. तो दैट मीन्स कि हमने यहां पे देखना था कि हाउ मच बोनस दैट कैन बी गिवन, कि कितना बोनस हम दे सकते हैं, कितना बोनस होना चाहिए, हाउ मच बोनस दैट कैन बी given or that can be provided, जी के जितना कितना बोनस हम दे सकते थे और कितना हमने बोनस दे दिया था. Now quick check summary again, वहां पे देखें 10,950 था. अगेन वे बैक टू द क्विक समरी, देखें 10,250 यहां था, 10,500 ये था, जो इसके बीच में क्या आया था, दैट इज 700 अनफेवरेबल वेरियंस. एफिशिएंसी वेरियंस कितना आया था, दैट इज 250. इन दोनों को जब हमने एडजस्ट किया तो टोटल हमारे पास 450 अनफेवरेबल फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस आ रहा है. क्या आ रहा है? फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस, जिसे हम कहते हैं FBTV, यानी फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस. क्या आता है वो? फ्लेक्सिबल बजट टोटल वेरियंस. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड द फ्लेक्सिबल बजट, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और फ्लेक्सिबल बजट में किस तरह इनकॉर्पोरेट होती है, वी आर गोइंग टू सी दिस, कि हमने फ्लेक्सिबल बजट में किस तरह से एडजस्ट करना है. इट इज अनलाइकली दैट द वेरिएबल ओवरहेड विल बी ड्रिवन बाय अ सिंगल एक्टिविटी. यानी कि कहता है ये बहुत मुश्किल बात है कि अगर मैं कहूं कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो ड्रिवन बाय सिंगल एक्टिविटी, यानी उसे सिर्फ एक ही सिंगल एक्टिविटी इफेक्ट आ रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अनलाइकली. ये क्या है? अनलाइकली है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी यूज वेन, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कब यूज किया जाता है, वेन मल्टीपल एक्टिविटीज बेसिस ड्राइव ओवरहेड कॉस्ट. यानी मल्टीपल एक्टिविटी की जो बेसिस है वो ड्राइव करता है वेरिएबल कॉस्ट. क्या ड्राइव करता है वो? वेरिएबल कॉस्ट है. यानी वेन मल्टीपल एक्टिविटी बेसिस ड्राइव वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. यानी ड्राइव क्या करें? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. तो यानी कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट तरह की कॉस्ट निकाल के हमारे सामने ले आए. यानी कि द कॉस्ट हैव द ओवरऑल डिफरेंट नेचर और डिफरेंट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्टिंग. यानी कॉस्टिंग में उसकी डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही थी या डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी. ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड एनालिसिस, रिकॉल दैट ओवरहेड कॉस्ट आर असाइन टू प्रोडक्ट्स यूजिंग द POR. किसको यूज करते हुए होता है? POR, प्री डिटरमिंड ओवरहेड रेट. यानी POR हो जाए या POHR हो जाए, वन एंड द सेम थिंग. तो असाइंड ओवरहेड कितना है? POR इनटू स्टैंडर्ड एक्टिविटी. किससे रिलेट कर रहा है वो?
POR into standard activity. तो यहाँ पे क्या आएगा, overhead from flexible budget to denominator level of activity and denominator level of activity. तो POHR जो है वो क्या आएगा, वो that is being part of it and वो that multiply होगा और POR यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले से निकालना है. सो POHR into standard activity gives us the assigned overhead. क्या बताएगा वो कि कितने overhead assign हो चुके हैं और कितने overhead assign होना बाकी है, यानी how much they are being assigned. Now overhead rates and overhead analysis. अब किसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम, overhead rates and overhead analysis की तरफ. The predetermined overhead rate can be broken down into fixed and variable components. यानी कि POR को भी हम further fixed and variable components में divide कर सकते हैं. The variable component is useful for preparing and analyzing variable overhead variance. यानी वो किस लिए यूज होगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को यूज करने के लिए. एंड द फिक्स्ड कंपोनेंट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. यानी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी आपस में सेपरेट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. और जब वो दोनों अलग हो रहे हैं दैट मीन्स कि उनकी अलग अलग चीजें सारी एग्जिस्ट करेंगी, यानी दे आर बोथ गेटिंग द सेपरेट वन. यानी वेरिएबल कंपोनेंट जो होता है वो दैट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग एनालाइजिंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. एंड फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग द ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. यानी एक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को मैनेज करने के लिए, एक है हमारे पास फिक्स्ड कंपोनेंट के वेरिएबल ओवरहेड को मैनेज करने की. नॉर्मल वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम. नॉर्मल और स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम की बात हो रही है. इन नॉर्मल कॉस्ट सिस्टम ओवरहेड इज अप्लाइड टू वर्क एंड वर्क इन प्रोसेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन द पीरियड. इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू वर्क in process based on standard hours allowed for the actual output of period. यानी कि actual output of period के लिए उसे यहाँ पे हर चीज को देखना पड़ेगा, यानी कि वो सारी चीजें संभाल रहे हैं. That means standard cost में आपने हर चीज को देखना है. Applied to work है and standard hours को भी ये allowed है, यानी standard hours पे भी ये base कर रहा है. ठीक है, इन दोनों में देखें तो क्या आ रहा है, एक है नॉर्मल कॉस्ट एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट. वहां पे वो बात कर रहा है कि अप्लाई टू वर्क हो रही है, यहां पे वो कह रहा है ऑलरेडी कॉस्ट है, वी हैव टू जस्ट ब्रिंग इट आउट. हमने क्या करना है, उसे ब्रिंग इट आउट करना है. नाउ यू कैन सी अ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. क्या देख रहे हैं आप, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस देख रहे हैं. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, कितने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड बजट एंड फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड. एक्चुअल फिक्स्ड तो यहां आ गया. एंड यहां पे आप देखें तो यहां पे दो वेरिएंस एडिशनल टाइप के एग्जिस्ट कर रहे हैं. कौन कौन से, बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस. ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं किए थे, हमने सिर्फ और सिर्फ सिक्स वेरिएंस पढ़े थे. नाउ इट गेटिंग टुवर्ड्स द एट वेरिएंस. अब कितने वेरिएंस हो रहे हैं, एट वेरिएंस है. अब यहां पे देखें फिक्स्ड ओवरहेड बजट, फिक्स्ड ओवरहेड कितने क्या आ रहे हैं यहां पे, डीएच डायरेक्ट आवर्स इनटू फिक्स्ड रेट. क्या है ये, फिक्स्ड रेट. डीएच इंटू फिक्स्ड रेट आ रहा है, यानी कि डीएच कितना है, डायरेक्ट आर्स कितने हैं और फिक्स्ड रेट कितना है, यानी कितने कितने फिक्स्ड रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअल आर्स तो आ गए यहाँ पे. अब कितना आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाता तो इक्वेशन क्या बनती है यहाँ पे, एक्चुअल आर्स इंटू फिक्स्ड रेट. क्या आती है हमें, एक्चुअल आर्स इंटू फिक्स्ड रेट. और यहाँ पे अब मैंने कह दिया, यहाँ पे अगर मैं कहूंगा तो थर्ड वन, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम वेरियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं. फिक्स ओवर फिक्स आ जाएगा, यानी कि फिक्स रेट आ गया और डीएच आ गया. यानी कि हमने यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट आर्स कितने हैं, डायरेक्ट आर्स मींस यहाँ पे भी डायरेक्ट आर्स आ गए, तो यानी डीएच हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होगा. दैट मींस फिक्स रेट हमारे पास चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल रेट आ जाएगा और फिक्स रेट आ जाएगा. यानी एक्चुअल रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा और फिक्स रेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो जब व्हेन वी फर्दर फिक्स ओवर हेड बजट अप्लाइड एस एच एंड डीएच एंड एफ आर आ गया, तो एफ आर मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या बनता है डीएच माइनस एफ एच. यानी कि डीएच भी हो जाए और एफ एच भी हो जाए. दिस इज वन इज नोन एज बजट वेरियंस एंड दिस इज नोन एज वॉल्यूम वेरियंस. बजट वेरियंस कौन सा है और वॉल्यूम वेरियंस कौन सा है. एफ आर स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड एंड स्टैंडर्ड डोमिनेटर आर. यानी कि डीएच क्या है, डोमिनेटर आर्स. कितने आर्स रह गए डोमिनेटर के आने में एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट देम कि कितना होगा. ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड एनालिसिस आ गया. कोला को प्रिपेयर्ड अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड्स. अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्लेक्सिबल बजट बनाने. मशीन आर्स 3000 है, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 6000. तो वेरिएबल ओवरहेड रेट क्या आएगा, यानी टोटल फिक्स रेट ये है, टोटल फिक्स ओवरहेड ये रेट क्या आएगा. 4000 है, 8000 का हुआ ये भी नहीं पता एंड ये भी नहीं पता. लेट्स कैलकुलेट ओवरहेड रेट्स. कोला अप्लाइज द ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आर्स कंपनी. यानी कि किस बेस पर लिखा दिए, दैट इज ऑन द मशीन आवर्स कंपनी. कि यहाँ पे जितने भी हैं वो उसके मशीन आवर्स के ऊपर अब बेस करते हुए यहाँ पे कपड़े धो रही हैं. यानी मशीन आवर्स जो है वो ओवरऑल नजर आ रहे हैं. यानी कोला को
अप्लाइज ओवरऑल बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, यानी अब मैं सपोज बात करूं यहाँ पे वॉशिंग मशीन की, तो दैट मीन्स मशीन आवर्स दैट रिक्वायर फॉर द वॉशिंग, दैट इज मीन्स वो कपड़े उतने ही धोएगी जितने वो मशीन आवर्स लेकर जा रहे हैं. Now, overall rate and overhead rates and overhead analysis. अब किसकी तरफ आ रहे हैं? Overhead rate and overhead analysis. Coca-Cola present this flexible budget for the overheads. Machine hours कितने? 3000 है. Total variable cost कितनी? इतनी है. Total variable rate इतना है. Total fix इतनी है. That means you can easily identify it. At 4000, 8000 यहाँ है. 2 इधर है. And 9000 जो है हमारे पास fixed overhead rate है. And then there is a overall fixed overhead rate that we are going to compute. Trade total variance overhead minus divided by machine hours. किस रेट निकलता है? That means variable overheads को हम लोग machine hours से divide करेंगे. That means we have a rate. यानी कि जब भी हमने machine hours से divide करेंगे, that we have a rate. हमारे पास rate आ जाएगा. This rate is constant at all level of activity. यानी कि ये rate जो constant है at all level of activity के यही rate पड़ेगा और हर चीज इसी की rate पे ही follow करके आगे की जाएगी. यानी कि follow करना इधर पे जरूरी है. कोला को प्रिपेयर्ड दिस फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड. यहाँ पे अब क्या है? टोटल वेरिएबल ओवरहेड 6000 है, 8000 है, देन वेरिएबल 2 है. टोटल फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पे 9000 है और यहाँ पे भी क्या है? 9000 है. रेट द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर्स. दिस रेट डिक्रीज व्हेन एक्टिविटी इंक्रीज. यानी ये रेट जो है वो डिक्रीज करता है जब भी एक्टिविटी बढ़ जाती है. यानी दैट मीन्स देर आर ऑन द रेसिप्रोकल साइड. किसकी तरफ है ये? दे आर ऑन द रेसिप्रोकल साइड. Overhead rate and overhead analysis. अब किसी तरफ मूव करें हम? Overhead rate and overhead analysis. अब यहाँ पे देखें तो flexible budget थे 3000 यहाँ पे था, 6000 हमारे पास आ गया क्योंकि देखें मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा जी overhead rate इतना आएगा. Total fixed overhead कितना है जी? That is 9000, that is given. And तो total fixed overhead rate हमारे पास कितना आ रहा है? That is $3. कितना आ रहा है हमारे पास? That is equals to $3. और 4000 जो है मशीन आवर्स थे, 8000 हुए मल्टीप्लाई हुआ 2 से आ गया आंसर, यानी 9000 यहाँ है. और जब हमने कहा जी दैट इज द सेम थिंग दैट वुड रिपीट, दैट इज 2.25. द टोटल पीओआर इज द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेट्स फॉर अ गिवन एक्टिविटी लेवल. ये फिक्स्ड रेट होते हैं यानी कि गिवन ऑन एक्टिविटी लेवल के. दीज आर द वेरिएबल ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड रेट गिवन ऑन द एक्टिविटी लेवल. किस पे हो? गिवन हो ऑन द एक्टिविटी लेवल. फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एग्जांपल. कोला को एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3200 स्टैंडर्ड आवर्स. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वाज 8450. क्या आना चाहिए? 8450. द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज बेस्ड ऑन 3000 मशीन आवर्स. किस पे बेस कर रहा है वो? 3000 मशीन आवर्स के. जितने मशीन आवर्स उसके पास अवेलेबल थे वो उसी की बेस पे आइडेंटिफाई कर रहा है. Now, fixed overhead variance example देखते हैं. Actual overhead incurred कितना हुआ? 8450. Fixed overhead budget कितना है? 9000. यहाँ पे जो budgeted variance आ रहा है कितना आ रहा है? That is 550. यानी हमारे पास answer क्या आ रहा है? That is negative आ रहा है. That means the budget would be favorable. Budget क्या है? बहुत ही favorable है. यानी वो नजर आता है कि कितने favorable है. Then fixed overhead variance a closer look result from spending more or less than the expected for the budget overhead. Now let's see standard hours allowed to compute fixed overhead volume variance or not. यानी कि वो volume variance की तरफ जा रहा होता है या नहीं लेके जा रहा होता है या वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा. तो budget variance result from spending more or less than expected for fixed overhead item. यानी कि result from spending more or less on expected or a fixed ओवरहेड आइटम. यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड आइटम जो है उसके हिसाब से ये चल रहा है. नाउ लेट्स यूज द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड टू कंप्यूट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. यानी कि अब हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने हैं अलाउड टू कंप्यूट द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. किसको कैलकुलेट करना है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. नाउ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनका इतनी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड बजट इतना है. And fixed overhead budget applied that is something like this. यानी कि there is the 9600. तो budget variance कितना आ रहा है? 5500. And volume variance कितना आ रहा है? That is 6000. कितना आ रहा है वो? That is 600. And then in budget variance it's round about almost 550. कितना आ रहा है उसमें? That is on the 550. यानी उसमें 550 पे exist कर रहा है. वॉल्यूम वेरियंस हम सबसे पहले अब देख रहे हैं वॉल्यूम वेरियंस किस तरह आते हैं. रिजल्ट व्हेन एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट डिफर्स फ्रॉम द
डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्टिविटी किससे हो, दैट इज डिफर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एक्टिविटी, यानी कि डिनोमिनेटर एक्टिविटी जो है उस पर डिफर नहीं करता, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द डिफरिंग ऑफ द डिनोमिनेटर एक्टिविटी. अनफेवरेबल व्हेन स्टैंडर्ड आर्स इज ग्रेटर देन डोमिनेटिंग आर्स, यानी कि क्या हुआ, जब हमारे पास स्टैंडर्ड आर्स जो है वो ग्रेटर हो देन नॉमिनल आर्स के. एंड फेवरेबल व्हेन स्टैंडर्ड आर्स डोमिनेट डोमिनेटर आर्स, यानी कि जब भी जो भी स्टैंडर्ड आर्स है वो डोमिनेटर आर होते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबल. एंड अनफेवरेबल में वो कह रहे हैं कि जी हम पत्थर ही नहीं मारेंगे, दैट मीन्स इट्स गोइंग टूवर्ड्स द अनफेवरेबल साइड. किस तरह मूव कर रहा है वो, अनफेवरेबल साइड पे मूव कर रहा है. वॉल्यूम वेरियंस अ क्लोजर रिव्यू, डू नॉट मेयर द ओवर और अंडर स्पेंडिंग, यानी कि कभी भी मेयर नहीं करता ओवर और अंडर स्पेंडिंग को. इफ द रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट ट्रीटिंग फिक्स्ड ओवरहेड एज इफ दे वर यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर वो रिजल्ट ऐसे कि वो आपके ट्रीटिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड यहां पे दे रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, इट वर अ वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स को आप वेरिएबल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, फिक्स को या वेरिएबल को आपस में एक दूसरे को एक जगह नहीं बना सकते, यानी दे आर नॉट बेस्ड ऑन द सेपरेट प्लेसेस, प्लेसेस सामने सेपरेट नहीं होगी. Now again the quick check is there, यानी अब क्या आ रहा है हमारे पास, quick check आ रहा है. Your enterprise actual production for the period required 2100 standard direct labor hours actual fixed overhead, यानी क्या आ गया यहाँ पे, actual fixed overhead for a budget was 14,800, यानी कि actual fixed overhead कितना था for a budget 14,800, the budgeted fixed overhead is 14,440, the predetermined fixed overhead had the rate of $7 per direct labor. So that means the price is on the direct labor. What was the budget variance? यानी किसका budget variance क्या होगा? Because each and every type की यहाँ पे सारी तरह की information collect हो गई है, यानी सामने कठी हो गई है. Now we are moving कि हाँ जी इसमें क्या चीजें हम further involve कर सकते हैं. How much they could be involved? तो यहाँ पे क्या गया? 350 if unfavorable. यानी फोर्सेस को बता रहा है कि फोर्सेस किस तरह से आ रहे हैं, व्हाट वाज द बजट वेरिएंस, यानी हमने बजट वेरिएंस बनाना है. तो जब बजट वेरिएंस बनाना है तो दैट मींस हमने वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करने हैं. तो देखिएगा बजट वेरिएंस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड्स फिक्स्ड है यानी बजटेड है और एक है एक्चुअल. तो जब हमने सेपरेट किया तो हमारे पास आया 350 यूनिट्स, दैट इज ऑल्सो बींग अनफेवरेबल. ये क्या है हमारे पास, अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है. Now again the further Uter Enterprise actual production for the period required is 2100, yani Uter Enterprise ki actual period ki production 2100 hai. Actual fixed overhead was 14,800, the budget fixed overhead was 14,450, the predetermined fixed kya hai ye, predetermined fixed overhead rate was $7 per direct labor hour. What would be the volume variance? क्या होगा volume variance, कितना होगा और कितना ज्यादा volume variance होना चाहिए. How much is the volume variance that can exist? कितना हमारे पास volume variance आना चाहिए. तो जब हमने volume variance आया तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके बीच में volume variance identify करना. तो when we are talking about volume variance, it is something like this. Budgeted fixed overhead minus standard hours minus F rate. यानी क्या आ गया, standard hours minus F रेट, जो भी हमारे पास आ गया वो यहाँ पे क्लियर होके आ गया, यानी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस फिक्स्ड ओवरहेड रेट, यानी किससे करना है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर देना है उसे. जब यानी स्टैंडर्ड आवर्स को हम फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो ऑलरेडी अमाउंट है, यानी वो ऑलरेडी अमाउंट है और फर्दर हमने बजटेड अमाउंट अलग से निकालनी है. क्या करना है, हमने बजटेड अमाउंट आगे से निकालनी है. 14,250 आ गया यहाँ पे, और यहाँ 14,000 दैट मीन्स 250 F is enough, यानी 250 F यानी कि favorable है, क्योंकि negative sign आ रहा है ना. 14,450 is smallest than 14,700, so that means कि यहाँ पे 250 foreign labor आ रहे हो, that doesn't exist, यानी कि foreign labors आ रहे हैं. Now quick summary check, let's see. अब यहाँ पे देखें actual कितना था हमारे पास, that is of 14,800. Fixed overhead budget, वो कहता है fixed overhead budget जब बनाया तो हमारे पास क्या चीज आई है, that is 14,450. क्या आ रही है हमारे पास, 14,450 and fixed overhead applied यहाँ पे 2100, 7000 and 14,700. क्या आ रही है यहाँ पे, 21,000 7 per hour and 14,700. क्या आ रही है हमारे पास, 14,700. तो इसीलिए यहाँ पे देखें जो इतना हिस्सा उसे हम क्या कह रहे हैं, that is known as budget variance.
एंड द रिमेनिंग इज नोन एज वॉल्यूम वेरियंस. बाकी वो क्या कहेंगे, वॉल्यूम वेरियंस है. तो यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड इतने आए हैं और फिक्स्ड रेट चेक करना है और एक्चुअल ओवरहेड बजट पे, यानी ओवरहेड जो है वो भी एक्चुअल है, यानी वो भी क्या है हमारे पास एक्चुअल तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने कहा जी 14,800, 14,450 एंड 14,700. तो दैट मीन्स कि दैट इज योर समरी ऑफ अ होल लेक्चर, दैट वुड बी नोन एज द समरी. फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस अ ग्राफिकल अप्रोच, यानी ग्राफिकल अप्रोच ही फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस में एग्जिस्ट करती है. नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. क्या शो कर रहा हो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेस शो कर रहा हो. वी विल यूज कोकोला नंबर फ्रॉम अ प्रीवियस एग्जाम्पल, यानी हमने सारे के सारे कोकोला के प्रीवियस एग्जाम्पल के नंबर पिक करने हैं कि जो भी हमारे पास नरमी थी वो दैट वुड बी सीन ओवर हेयर, यानी इधर पे है. लेट्स लुक एट द ग्राफ शोइंग द फिक्स ओवर एट वेरियंस. हम लोग याद रखिएगा ग्राफ जो है वो दैट इज अबंडेंट फॉर द कोला को नंबर इज नंबर फ्रॉम सी आर द प्रीवियस एक्स एग्जाम्पल, यानी कि आपने पहले जो है आके ओवरऑल नंबर ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल को भी देखना शुरू कर दिए. फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस इज अ ग्राफिकल अप्रोच. अब यहाँ पे देखें, ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट है और ये अप्लाइड ओवरहेड रेट है. यहां तक तो ये बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसने यू टर्न काटना है, और जब वो यू टर्न लेगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, हमारे पास सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी, यानी इजिली वी कैन आइडेंटिफाई कि हाउ मच इज द कॉस्ट, यानी इतना कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए. 3000 एक्सपेक्टेड लाइफ यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, 3000 एक्सपेक्टेड लाइफ यूटिलिटी होनी चाहिए. नाउ यू कैन सी दैट फेवरेबल बजट कितना आ रहा है जी, यहाँ पे हमारे पास आया है जी वैल्यू आई थी दैट इज 8450. कितना आ रहा है, 8450. इतनी अमाउंट की क्या हो रही है, दैट इज यू नो यू कैन सी दैट इट्स अ फेवरेबल बजट वेरियंस. क्या है ये, हमारे पास फेवरेबल बजट वेरियंस है जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है. दैट इज व्हाट वी नोन एज फेवरेबल बजट वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो आ रहा है एग्जैक्टली ये वाली पॉइंट है, तो ये आ रहा है दैट इज 3200 स्टैंडर्ड लेबर. क्या आ रहा है हमारे पास, 3200 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स आ रहे हैं जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं या जो हमारे सामने पड़े हुए हैं. तो ये दैट मीन्स 9600 फिक्स्ड ओएच अप्लाइड, 9000 बजटेड फिक्स्ड ओएच, यानी इतनी अप्लाई हुई है, एक्चुअल में इतना बजट रखा हुआ था. और यहाँ पे आए दैट इज 3200 आ रहे हैं एंड देन स्टैंडर्ड आवर्स आर देयर. तो यहाँ पे दैट इज व्हाट वी नोन एज ग्राफिकल अप्रोच ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस. क्या है ये, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस है. ओवरहेड वेरियंस एंड अंडर ओवर अप्लाइड कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड वेरियंस अगर निकाल रहे हैं तो उसमें अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड को हम कैसे एडजस्ट करेंगे. इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अनफेवरेबल वेरियंस आर इक्वल टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि अनफेवरेबल वेरियंस आर इक्वल टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि ओवरहेड्स के अंडर अप्लाइड हो रहे हैं, यानी कि वेरियंस आर इक्वल टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि वेरियंस किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड के. जितना भी हमारा अंडर अप्लाई आ रहा है उसी के हिसाब से हम खोल लेंगे उसे. फेवरेबल वेरियंसेस आर इक्वल टू ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड, यानी किसकी इक्वल हो, ओवर अप्लाइड एंड अंडर अप्लाइड. ये दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट, यू कांट से इट विद द कोऑर्डिनेशन. तो दैट मीन्स दैट इज ऑन द अदर डिपार्टमेंट, यानी वो क्या है, वो अदर डिपार्टमेंट पे ला रहे हैं. द सम ऑफ ओवरहेड वेरियंस इक्वल टू द अंडर नेगेटिव और ओवर एम्प्लॉयड ओवरहेड इफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमने क्या देखना है, सम ऑफ प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वेरियंसेस इक्वल टू द अंडर और ओवर अप्लाइड, यानी कि ओवर अंडर होगा या ओवर अप्लाइड होगा, इक्वल्स टू अंडर इक्वल्स टू द सम ऑफ द ओवरहेड वेरियंस इक्वल्स द अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड. यानी ये हमें क्या बताता है कि हेड वेरियंस बताता है और कितनी वेरियंस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू सी. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसी तरफ हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की. द स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अ डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग कंपनीज में बी स्टैंडर्ड सिस्टम एंड इधर जॉब ऑर्डर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. क्या है ये, जॉब ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जिस्ट कर रहा है. द सिस्टम इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट अजम्पशन, यानी ये जो सिस्टम है ये टू इंपॉर्टेंट अजम्पशन में बेस कर रही है. फर्स्ट, वेरियंस फ्रॉम स्टैंडर्ड आर रिकॉग्नाइज एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि वेरियंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमने हमेशा अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ही सारों को हमने एवेल्युएट किया है. अपॉर्चुनिटी द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज मेंटेन्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि वर्क इन प्रोसेस क्या है, आपने ओवरऑल जिसे कहते हैं कि मेंटेन करना है घर को बेस्ड ऑन लोअर स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी लोअर स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ वो किस तरह से मैनेज हो सकता है.
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इलस्ट्रेशन. हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट 13,200, यानी कितना परचेज हुआ रॉ मटेरियल 13,020. व्हेन द स्टार्ट कॉस्ट इज 12,000, कितनी है स्टार्ट कॉस्ट आपकी? 12,600 है. इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 31,000 व्हेन द स्टैंडर्ड लेबर इज 31,500. क्या है वो? 31,500 है. तो दैट मीन्स व्हेन द स्टैंडर्ड लेबर आर इज 31,500. अब रॉ मटेरियल पहले आ रहा है, तो रॉ मटेरियल परचेज किया गया, तो दैट मींस मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या आ रहा है यहाँ पे? प्राइस का वेरिएंस आ रहा है. एंड देन अकाउंट्स पेबल में डाल दिया, यानी कि हमने उठाया और उसे हमने किसके अंदर इंक्लूड कर दिया? दैट इज अ पार्ट ऑफ आर इन्वेंट्री. यानी हमने ये कस्टमर से लेना है टैक्स. क्या करना है हमने इसको? कस्टमर से लेना है टैक्स, और कस्टमर से ही लेने के बाद हमारे सामने क्लियर पिक्चर आएगी. इनकर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 31,800, यानी क्या करें? इनकर क्या करें? डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इनकर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 31,880, यानी कि हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट इंसर्ट होगी, दैट मीन 10,080. व्हेन द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 31,500, यानी कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, यानी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 31,500 है. कितनी है वो? 31,500 है. नाउ इनकर्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, व्हेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 31,500, फैक्ट्री लेबर 31,500, लेबर जो है वो 420 है, वेजेस पेएबल 31,080 आ गए. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सेटल, यानी कि ये हमने इस तरह से सेटल किया गया, यानी कि दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सेटल इट. तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज नोन एज जर्नल एंट्रीज. कितनी है ये? हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. दीज आर द जर्नल एंट्रीज जो हमारे सामने एग्जिस्ट होकर सामने नजर आ रही. स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किसकी तरफ आ रहे हैं अब हम? किस स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं और किस किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं? इनकर टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ 10,900, इशू रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 12,600 व्हेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 12,000. क्या है कि वो रॉ मटेरियल ले रहा है, कॉस्ट क्या है? 12,600 पड़ रही है, लेकिन उसने पिछले हफ्ते ही उसे लिया है, तो दैट इज ऑन द 12,000. कहां है वो? 12,000 पे ही लाए कर रहा है और 12,000 पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चला गया यहाँ पे इनकर करना है, एंड देन ओवरहेड अप्लाइड होना चाहिए. ये हुआ अकाउंट पेएबल, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या इन सबको मिलाएं तो ओवरहेड अप्लाइड लिख दें. तो जब भी आप ओवरहेड अप्लाइड लिखेंगे, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज देयर, यानी ओवरहेड अप्लाइड भी इसी में आ रहा है. दैट इज अकाउंट पेएबल कैश अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल कैश अकाउंट रिसीवेबल्स. तो ये आ जाएगा 10,900, यानी दैट इज 10,900, यानी इतना इतना हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. इश्यू रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 12,000 व्हेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 12,000, यानी इश्यू करें आप रॉ मटेरियल को किसके साथ? विद द कॉस्ट ऑफ 12,600, कि जितनी भी हमें कॉस्ट पड़ी 12,600 की, हम उसी की बेस पे ये चीजें वैल्यूएट करें और इन्हीं चीजों को सामने लेकर आए. तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस 12,000, किससे हो रहा है वर्क इन प्रोसेस? 12,000 से हमारे पास सामने नजर आ रहे हैं, ये हमारे सामने नजर आ रहा है 12,000. अब यहाँ पे हमने करना क्या है? That is again material quantity variance. कितना है यहाँ पे? 600 का variance है. कितना है यहाँ पे? 600 का variance है. Then raw material inventory कितना है? 12,600. कितनी आ रही है raw material inventory? 12,600 exist कर रही है. So that means it's being at 12,600. Assign factory labor to production at the cost of 31,500 when the standard cost is 30,000. यानी कि आप लेबर को लगा रहे हैं कॉस्ट पे, लेकिन एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो स्टैंडर्ड नहीं पकड़ा हुआ है. यानी कि लेबर प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 31,000 व्हेन असिस्टेंट कॉस्ट इज 30,000, यानी कि आपके पास ओवरऑल है, तो दैट मींस कि यू आर असाइनिंग अ प्रोडक्शन, यानी लेबर टू प्रोडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ 31,500. कितनी कॉस्ट पे? 31,500 की कॉस्ट पे हम उसे ले जा सकते हैं. व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 30,000, कितनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट? 30,000 है. अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू प्रोडक्शन, अप्लाई क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू प्रोडक्शन $10,000, कितनी है? $10,000. तो ये किस तरह हो गया इन्वेंट्री? पहले वर्क इन प्रोसेस आया, फिर लेबर क्वांटिटी वेरिएंस आया. क्या है हमारे पास? लेबर क्वांटिटी वेरिएंस आया, एंड देन फैक्ट्री लेबर हमारे सामने नजर आई, कि दैट इज व्हाट वी नोन एज फैक्ट्री लेबर. इसे कहते हैं हम कि ये फैक्ट्री लेबर है, फैक्ट्री लेबर की तरह ही वर्क कर रही है. देन अप्लाइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू प्रोडक्शन ऑफ $10,000, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को देखते हैं कि टू प्रोडक्शन है कितना? $10,000 का. तो वेरिएबल ओवरहेड नेसेसरी 10,000 है. देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वहां, यानी कि ओवरऑल 10,000 था, तो यहाँ पे हमने कहा जी दैट इज ऑल्सो बींग ऑफ 10,000. ये भी क्या है? 10,000 ही है.
ट्रांसफर कंप्लीटेड वर्क टू फिनिश गुड्स ऑफ 52,000 यानी कि कंप्लीटेड गुड्स को कहां मूव करना है आपने 52,000 यानी फर्दर शिफ्ट की तरफ लेकर जाना है कि जितना भी शिफ्ट हमारे सामने एग्जिस्ट कर जाए. एंड देन दैट 1000 गैलन ऑफ जोनिक टॉनिक आर सोल्ड फॉर 70,000 कितने का वो गैलन सोल्ड हुए दैट इज 70,000 किसकी बेस पे 70,000 की बेस पे वैल्यूएट हो रहे हैं. ट्रांसफर कंप्लीटेड वर्क टू फिनिश गुड्स एंड डॉलर 52,000 तो यहाँ वी आर गोइंग टू मेक एन एंट्रीज तो यहाँ पे क्या फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस तो वर्क इन प्रोसेस से सीधा क्या गई है वो फिनिश गुड्स में गई है और आर सोल्ड फॉर 70,000 तो हम लोग क्या अकाउंट रिसीवेबल्स यहाँ आ गए यानी अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास आ गए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है जी हमारे पास दैट इज 72,000 एंड देन सेल्स कितनी है 60,000 है फिनिश गुड्स जो है वो 52,000 है एंड देन अकाउंट रिसीवेबल 70,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000 एंड सेल्स कितनी है दैट इज 60,000 दैट इज हाउ वी आर मेकिंग द एंट्रीज फॉर द जोनिक टॉनिक फॉर डॉलर 70,000 तो फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोसेस अकाउंट रिसीवेबल्स वेरियंस क्रेडिट में क्या है कैश है क्या है हमारे पास क्रेडिट में कैश एग्जिस्ट कर रहा है यानी कैश में ही वो एग्जिस्ट होके सामने क्लियर होके नजर आ रहा है. एंड देन फिनिश गुड्स क्या आएगा यहाँ पे फिनिश गुड्स भी आ गई यानी कि सोल्ड हुई है तो जारी बात है फिनिश गुड्स भी तो होंगी ना तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने कहा सेल्स जो है वो हमारी क्रेडिट हो रही है फिनिश गुड्स हमारी क्या हो रही है दैट इज बीइंग क्रेडिटेड. स्टैंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है रिकग्नाइज अनफेवरेबल टोटल ओवरहेड वेरियंस के अनफेवरेबल टोटल ओवरहेड वेरियंस कितना है और कितना एग्जिस्ट कर रहा है यानी रिकग्नाइज करें अनफेवरेबल टोटल ओवरहेड वेरियंस की क्या करें हमारे पास ओवरहेड टोटल वेरियंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है ओवरहेड वेरियंस कितना है जी 900 कितना आ रहा है वो 900 हमारे पास ओवरहेड वेरियंस है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमने डाल दिए क्या है ये अनफेवरेबल था ना तो हमने सीधा से क्या किया पुट किया है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में और जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ऐड हुआ तो दैट मींस कि यहां पे दैट इज ऑलरेडी बीइंग रिजॉल्व्ड दैट इज 90,000 एंड ओवरऑल वर्किंग. कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये क्या है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स किसकी बात करेंगे हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या आ रहा है फैक्ट्री लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मटेरियल प्राइस इज देयर वेरियंस इज देयर मटेरियल क्वांटिटी इज वेरियंस लेबर प्राइस इधर इज लेबर क्वांटिटी वेरियंस इधर आगे तो देन वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे है फिनिश गुड्स यहाँ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे है सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी के हाँ जी स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से वर्क करके सामने आते हैं. तो यहाँ पे आप देखें तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो सारों को लग गए तो दैट मीन्स उनके पास रिसोर्सेज जो कम हो रही थी उनको अब ज्यादा फेस हो रही है तो दैट मीन्स मटीरियल प्राइस वेरियंस कितना आ रहा है दैट इज 420 कितना आ रहा है वो 420 एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस कितनी आ रही है दैट इज ओवरऑल 600 कितनी आ रही है वो दैट इज ओवरऑल 600 है यानी मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस जो है वो जा रहा है किधर पे मेट्रोपोलिटन यानी कि अपने बैंक पे मूव कर रहा है. लेबर प्राइस वेरियंस क्या आ रहा है हमारे पास लेबर प्राइस वेरियंस आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग 420 लेबर क्वांटिटी वेरियंस कितना है दैट इज 1500 यानी कि लेबर क्वांटिटी वेरियंस जो है वो किसके इक्वल है दैट इज 1500 देन ओवरहेड वेरियंस कितना आ रहा है दैट इज ऑफ 900 जो हमारे पास एडिशनल बच गया था दैट इज ऑफ ओवरहेड वेरियंस इज ऑफ 900 कितना है वो 900 आपका वेरियंस एग्जिस्ट कर रहा है. वर्क इन प्रोसेस जब हम बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस की तो यहाँ पे आ रहा है जी 12,000 अब यहाँ पे क्या ये सारी चीजें लग रही हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे ये सारी चीजें लग रही है 12,000 है फर्स्ट रॉ मटेरियल है देन 30,000 है देन 10,000 है यानी कि 30,000 है 10,000 है हमारे पास हम यानी दीज आर द इश्यूज इन्वॉल्व एंड 7 वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री दैट इज 52,000 विल बी रिटर्न बैक यानी 52,000 जो है वो रिटर्न बैक हो चुकी है यानी 52,000 इज देयर यानी 52,000 जो है वो सामने नजर आ रहा है. क्लोजर लुक एट ओवरहेड वेरियंसेस थोड़ा सा और क्लोजर लुक देखते हैं कि ओवरहेड वेरियंस के अंदर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट होती हैं और किस किस तरह से ये वर्किंग करती है. द ओवरहेड वेरियंस इज जनरली एनालाइज्ड थ्रू अ यानी कि ओवरहेड वेरियंस कैसे एनालाइज्ड है थ्रू अ पीस प्राइस वेरियंस एंड क्वांटिटी वेरियंस यानी ओवरहेड एनालिसिस इज जनरली एनालाइज्ड थ्रू अ प्राइस वेरियंस एंड क्वांटिटी वेरियंस की यानी एनालाइज करें प्राइस वेरियंस को और क्वांटिटी वेरियंस को. ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस क्या क्या है ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस जिसे हम कहते हैं प्राइस वेरियंस शोज वेयर ओवरहेड कॉस्ट आर एफिशिएंटली कंट्रोल्ड यानी
कौन से हैं जो यहाँ पे कॉस्ट को बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं वो, कॉस्ट को बहुत एफिशिएंटली और एक्यूरेटली कंट्रोल करते हैं. ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्वांटिटी वेरिएंस रिलेट टू वेदर द फर्म फिक्स्ड कॉस्ट फर्म कॉस्ट फॉर अंडर एंड ओवर अप्लाइड ड्यूरिंग इट, यानी कि ये भी चेक करना है कि अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड तो नहीं रही है फर्म की कॉस्ट, तो कितनी रही है दैट वुड ऑल्सो बी चेक्ड. यानी कि क्वांटिटी वेरियंस रिलेट्स वेदर फिक्स कॉस्ट आर अंडर और ओवर अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर, फिक्स कॉस्ट को क्या अंडर अप्लाइड होना चाहिए ओवर अप्लाइड होना चाहिए, दैट इज बीइंग रिमेंड. ये अभी तक नहीं, यानी कि ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर ये चाहिए होता है, यानी कि वेदर क्या ये होता है कि नहीं होता है, तो वो हमने चेक कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट वर अंडर एंड ओवर अप्लाइड ड्यूरिंग वेरिएंस, कि फिक्स कॉस्ट भी जो है वो चेंज हो रही हो विद द टाइम, यानी ये भी चेंजेस शो कर रही हो. ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस आ रहे हैं. ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस शोज वेदर द ओवरहेड कॉस्ट आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड और नॉट, क्या वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा. टू कंप्यूट दिस वेरियंस द कंपनी कंपेयर्स एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड एंड द बजटेड कॉस्ट फॉर द स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, यानी कि थोड़े अरसे के लिए एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और बजट कॉस्ट के बगैर रहने देखा है तो वो कह दी स्टैंडर्ड आवर्स अलोन. द बजटेड कॉस्ट आर डिटरमिन फॉर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओवरहेड बजट, यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओवरहेड बजट है. द बजटेड कॉस्ट किस क्या है, ये बजटेड कॉस्ट आर डिटरमिन्ड, बजटेड कॉस्ट जो है वो डिटरमिन की जा रही है फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, किससे मैनेज की जा रही है फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट के, जितना भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है उसके थ्रू यहाँ पे बजटेड कॉस्ट मेजर की जा रही है. ठीक है, क्लोजर लुक ऑन द ओवरहेड वेरियंस हम फर्दर देखते हैं. फॉर जोनिक द बजट फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डॉलर थ्री पर आर, कितनी है वो डॉलर थ्री पर आर है, ए ऑफ लेबर प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, यानी जोनिक बजट फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज ऑफ डॉलर थ्री पर आर ऑफ लेबर प्लस द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4400, कितनी है 4400. तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी मैन्युफैक्चरिंग आर्ज है, तो यहाँ पे हमने कहा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग आर्ज है, तो यहाँ पे हमने कहा 1800 लेबर है, कितना है यहाँ पे 1800 लेबर है, वेरिएबल 5400 है और ओवर द ईयर्स सेम फिक्स्ड कॉस्ट चल रही है, क्या चल रही है हमारे पास सेम फिक्स्ड कॉस्ट चल रही है ओवर द ईयर्स, के ओवर द ईयर्स कितना चेंजेस आ रहे हैं दैट इज बीइंग मेड फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस आते हैं, क्या आ रहे जी, एंड ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस illustration shows that the formula for the overhead control level variance and calculation of zoning incorporation is there. Actual overheads minus budgeted overheads. यहाँ पे किस तरह आ रहा है, यहाँ पे that means कि आपने budgeted लेना है, यानी क्या होगा budgeted overheads में, that is you can see that के based on standard hours allowed, यानी actual hours into standard rate, यानी ये आ गया हमारे पास actual hours, actual rate minus actual hours into standard rate. ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरियंस इज 500 अनफेवरेबल, क्या आ रहा है ये 500 दैट इज बीइंग अनफेवरेबल, क्या आंसर है ये, अनफेवरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी अनफेवरेबल ये चीज सामने नजर आ रही है. ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड रेट एंड नॉर्मल कैपेसिटी आर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, यानी कि जितना नॉर्मल में रन करता था जितना अलाउड में रन करता था दैट इज नोन एज ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, क्या कहते हैं उसे हम, ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, की ये हमारा ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी आर एंड स्टैंडर्ड आर अलाउड टाइम्स द फिक्स्ड कॉस्ट रेट, यानी अलाउड टाइम्स द फिक्स्ड कॉस्ट रेट, तो यानी फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड इनटू नेचुरल कैपेसिटी आर स्टैंडर्ड कैपेसिटी आर दैट इज इक्वल टू ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, क्या है ये ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस. Now there is an example for the overhead variances. अब let's see कि यहाँ पे examples कैसे work कर रही हैं, किस तरह की होती हैं, देखें. Zonic incorporation budgeted fixed overhead cost of the year is 52,000. यानी कि fixed overhead cost कितनी है 52,000. At normal capacity 26,400 standard direct labor hour are required. यानी कि इतने हमारे पास labor hour required होंगे. Zonic produced 1,000 units of Zonic tonic in June. The standard hours allowed for the 1,000 gallon produced in June was 1,000 into 2 hours. For Zonic, the standard direct labor hour for June at normal capacity is 26,400 annual hours divided by 12 months. यानी कि किस तरह निकली हुई, normal capacity 26,400 divided by 12 months. The computation of overhead volume variance in this case is as follow. यानी computation of overhead volume variance, यानी कि computation of overhead volume variance in this case is as follow. Fixed overhead rate कितना है जी 1200 है.
normal capacity are this much, standard capacity are this much, and then overall is the unfavorable variance. क्या आ रहा है हमारे पास? Unfavorable variance exist कर रहा है. In computing the overhead variance, क्या कहता है? In computing the overhead variance, it is important to remember the following. यानी कि जब भी हमने variance बनाना है, overhead variance बनाना है, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. First one, standard hours allowed are used in each activity variance. यानी कि standard hours जो allowed है, वो हर जगह वो in each way of the variance are used in each activity of variance. Budgeted cost for a controllable variance, यानी कि budgeted cost कितनी है for a controllable variance are derived from flexible budget की. यानी कि वो derive कहाँ से होता है? That is based on flexible budget. यानी कि budgeted cost for a controllable variance, यानी कि budgeted cost कितनी है? For a controllable variance are derived from flexible budget. The controllable variance generally pertains to a variable cost. यानी general variance किसके equal है? Pertains to a variable cost. यानी वो variable cost को वो देखता है या measure करता है. The volume variance pertains solely to the fixed cost. यानी ये किससे करता है? Solely to the fixed cost, and that controllable is solely related to a variable cost. यानी कि जब भी इनके साथ होता हूँ तो that means it's a full variable pertains to a फुल वेरिएबल कॉस्ट. यानी किससे रिलेट कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट से रिलेट कर रहा है. सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. बट वी हैव स्टडीड टुडे, वी हैव स्टडीड अबाउट द ओवरऑल फ्लेक्सिबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसके अंदर हमने दो और चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से एक क्या था? वॉल्यूम वेरियंस था हमारे पास जो हमारे सामने आया है, एंड बजट वेरियंस आया था जिसे हम बजटरी वेरियंस कहते थे. दैट वी हैव स्टडीड फॉर द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, जिसके थ्रू हम लोगों ने काफी सारी वैल्यूज निकाली, काफी सारे एडिशंस किए. तो नाउ वी हैव टोटल ऑफ एट वेरिएंसेस. कितने हो गए हमारे पास? एट वेरिएंसेस हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट ऑन द बेस ऑफ विच वी आर गोइंग टू फाइंड द वेरिएंसेस. सो हियर वी हैव एंडेड विद द वेरिएंसेस, ऑल टाइम ऑफ वेरिएंसेस, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, उन दोनों के वेरिएंसेस पढ़े हैं. देन वी हैव स्टडीड द वेरिएंस ऑफ लेबर, एंड देन वी हैव स्टडीड द वेरिएंस ऑफ our material. So that's the end of the lecture number 19. Allah Hafiz.